हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा स्वीट होम एसेंस। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी होल व्हीट चीज़ मसाला ब्रेड वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वो शुरू करते हैं बनाना। और उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून यीस्ट लिया है, ड्राई यीस्ट, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप थोड़ा सा वार्म मिल्क। इसको आप 5 मिनट के लिए रख देना। 1 स्पून जो है वो मैंने शुगर डाला, तो इसको एक्टिवेशन के लिए 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा कि जिससे कि यीस्ट थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए। अब 5 मिनट के बाद मैं इस पे मैंने कम्प्लीटली 2 अंडे यूज कर रही हूँ पूरे में, पर यहाँ पे मैंने हाफ जो है 1 अंडे का जो येलो पार्ट है वो मैंने सेव कर लिए। एग योग जो है वो मैंने सेव करके रखी है फर्दर यूज करने के लिए, और बाकी सारा अंडा मैंने डाल दिया है। और इस पे मैंने 50 ml के आसपास ऑलिव ऑयल डाला है, और साथ ही इस पे मैं डाल रही हूँ होल व्हीट फ्लावर, और ये 2 कप से थोड़ा सा कम है, तो इसी में मैंने काली मिर्ची डाली है और ओरिगानो डाल रही हूँ। और सब्जियाँ मैं यहाँ पे जो डाल रही हूँ आप कुछ अपनी मर्जी से भी डाल सकते हो। तो इसमें सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट आप एज पर योर टेस्ट डालिएगा। यहाँ पे मैंने ये ग्रीन अनियंस है वो यूज़ करें, पार्सले यूज़ करें, और यहाँ पे थोड़े से मशरूम और जो रेड कलर की पेपर है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे आलू को मैंने ग्रेट करा है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप ऑप्शन जो है वेजिटेबल्स के आप चेंज भी कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ, और इन सबको आपको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। आपको और जो बाकी बचा था फ्लावर वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और ये जो डो है ज़्यादा हार्डी, इसी तरह से स्टिकी सा बनाइएगा, स्टिकी स्टिकी ही रहने देना है आपको इसको, और अच्छी तरह से बस मिक्स आपको अच्छी तरह से कर लेना है। और मैं यहाँ पे स्पैचुला की मदद से इसको कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। और थोड़ा थोड़ा फ्लावर डाल के आपको इस तरह से एक स्टिकी सा डो बना लेना है। अब मैं इसको फर्मेंटेशन के लिए रख दूंगी, आपको कवर करके इस तरह से ढक देना, और इसको आप 1 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दीजिएगा। और अब मेरे 1 घंटे के बाद ये फर्मेंट हो गया है, और अब आपको फिर से थोड़ा सा डस्ट करना पड़ेगा फ्लावर, इसका जो एयर है वो निकालने के लिए थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कीजिएगा, और इस तरह से इसकी एयर जो है वो निकाल दीजिएगा। ये स्टिकी भी है, आप हाथों पे चिपकेगा थोड़ा सा, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इस तरह से इसको आप, ये एक तरह से पंचिंग ही है क्योंकि इस पे मेरे वेजिटेबल है, ज़्यादा आप नहीं कर सकते क्योंकि, और ये होल व्हीट फ्लावर है तो इस पे जो रफेज काफ़ी है, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा स्टिकी रखा है तो जिससे कि ये हार्ड ना हो, ब्रेड सॉफ्ट ब्रेड बने। और थोड़ा सा ऑयल से भी आप इसको थोड़ा सा आप पंच जब करेंगे ऑयल, हाथों पे ऑयल भी लगा सकते हो। और अब मैं इसको दूसरे कंटेनर में डाल रही हूँ, और इसकी जो पर्टिकुलर, मैं इसको एक ही साथ बना रही हूँ, तो अगर आप चाहते हो तो आप इसको कुछ और शेप में भी बना सकते हो। अब मैंने इस बर्तन को, जो भी मेरा कंटेनर है, उसको ग्रीस कर लिया है, और उसमें ये शिफ्ट कर दिया ये स्टिकी अपने डो, और इसको हल्का सा ऐसे सेपरेशन दे रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा चीज़ और ऐड करना है।
इसलिए मैं इसको थोड़ी सी सेपरेशन दे रही हूँ और ऑयल से अपने हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ ताकि वो मुझे चिपके ना, ये जो डो है। इस तरह से मैंने ये चेडर चीज़ है वो मैं इसमें, उसके स्लाइसेस हैं उसको भी मैं एडजस्ट कर रही हूँ सेपरेशंस के लिए। तो इस तरह से आपकी मर्जी, आप चीज़ में कुछ भी अपनी अपनी चॉइस से भी कर सकते हो। और दूसरी तरफ मैंने रखा हुआ अवन को भी प्री हीट होने के लिए रख दिया 180 डिग्री पे। और अब जो वो मैंने एग वॉश, जो मैंने एग योक बचाया था उससे इसको ब्रश करेंगे। और इसको ब्रश करने के बाद मैं इस पर थोड़े से सेसमी सीड्स जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी, वाइट और ब्लैक सेसमी सीड्स। और इसको स्प्रिंकल करके आप तब तक रख दीजिए जब तक आपका अवन जो है गर्म होता है 10 मिनट के लिए। अब मैंने अवन गर्म होने के लिए रखा और इसको भी 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया। और अब मैंने इसको अवन में डाला और ऑलमोस्ट ये आपके 1 आवर के आसपास ले लेगा, कुछ डिपेंड करता है आपके अपने अवन के ऊपर भी। तो मुझे ये बेक करने में 1 आवर लगा था, तो आप ऑलमोस्ट 1 आवर ही लगेगा। अब ये मेरी ब्रेड तैयार होगी और इसको मैंने बाहर अवन से निकाल के और थोड़ा ठंडा कर लिया था। और ठंडा होने के बाद इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट का, तो वीकेंड पे पहले ही मैंने बना के रख लिया था, तो थोड़ा सा मेरे डेज थोड़े से ईजी हो गए थे। और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है और आप ये ज़रूर ट्राई करना ये ब्रेड की रेसिपी। तो मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।